फ्रेंड्स, मैं हूँ हीरवा भावसार और आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई बिना ओवन प्रेशर कुकर में। नान खटाई बनाने के लिए हम लेंगे मिल्क, मैदा, घी, बेकिंग पाउडर, सूजी, चीनी पाउडर और बेसन। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे बेसन, थोड़ा सा मैदा और 2 स्पून सूजी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक बाउल में लेंगे 1/2 कप चीनी पाउडर और आधे बाउल से ऊपर थोड़ा सा घी। अगर घी यूज नहीं करना है तो आप बटर और रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक ये एकदम पफी ना हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेंगे और 2 स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। हमने जो बेसन, मैदा और सूजी को मिक्स किया था उसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम 2-3 स्पून मिल्क डालेंगे। इसको हम आटे की तरह अच्छे से गूंद लेंगे और एकदम स्मूथ हो गया है ये। हमने प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे और उसमें हम नमक डाल देंगे और स्टैंड रख देंगे। 5-6 मिनट के लिए उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। कुकर में रखने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम घी से गार्निशिंग कर देंगे। इसको हम छोटे छोटे गोल गोल बना के इसको पेड़े की तरह शेप दे देंगे। बीच में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और आप चाहो तो इसको अकेले बेसन और सूजी के भी बना सकते हो। चाकू की मदद से हम बीच में उसको थोड़ा थोड़ा सा शेप दे देंगे। इसमें हम काजू, बादाम या पिस्ता के थोड़े थोड़े टुकड़े रख रहे हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया है। प्लेट को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। हमारी नान खटाई थोड़ी सी फूल गई है पर वो अभी तक सीखी नहीं है, तो और हम 4-5 मिनट के रखेंगे हाई फ्लेम पे। 15-20 मिनट के बाद हमारी नान खटाई रेडी हो गई है और इसको हम बाहर निकाल देते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमारी दूसरी प्लेट भी रेडी हो गई है, हम उसको भी 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। फाइनली हमारी नान खटाई बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन होके सेक के हमारी नान खटाई रेडी हो गई है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फाइनली हमारी नान खटाई बनके रेडी हो गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।